नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने विकल गुरु यूट्यूब चैनल में। आज हम एवरेज निकालेंगे भाई। इससे पहले जो वीडियो थी उसमें आपने देखा होगा कि एरो मैम ने इसकी एवरेज निकाली, जिसमें इसने जो है 3 लीटर तेल लिया था 1 किले के अंदर। उसी किले में हम दोबारा कल्टीवेटर की सहायता से इसको पूरे खेत को जोतेंगे, तो फिर पता चलेगा कितना इसने तेल लिया। तेल की अटैचमेंट मैंने पहले भी दिखाई थी आपको, 9 के कल्टीवेटर हैं ये, आपने दिखाई दे रहे हैं, बढ़िया खुरपी इनमें। फिर अपने तेल दिखाऊँगा, 4 लीटर हमने इसमें पूरा कराया है, पूरा 4 लीटर पे हो गया। ठीक है, अभी 4 लीटर पे है, 1800 RPM चौथे का लो गियर में चलेगा। अभी स्टार्ट करवाऊँ, चलो भाई। 40 40 पे चालू कर दिया हमने। एक फांड में एडजस्टमेंट आ जाएगी। गाड़ी की चल रहा है। तो भाई आप देखो, कल्टीवेटर बढ़िया लग रहे हैं। ट्रैक्टर है MM45 माइलेज मास्टर। डीजल एवरेज निकाल रहे हैं इसकी। बढ़िया डाउन कल्टीवेटर में एवरेज निकल रही है यार। कल्टीवेटर सही तरह से डाउन रखे हैं, बढ़िया हैवी जो है जुताई करते हुए। शायद अगर 11 के होते कल्टीवेटर तो एवरेज में फर्क पड़ता, लेकिन फिर दबाव मानने लग जाता पत्ती। तो कुल मिलाकर बात है इसी, ठीक आगे हुआ है।
धक चल जाएगा एक। तो भाई अपने किसान भाई ने बता दिया, तो अभी फिलहाल मैं आपके सामने पेश है और चल रहा है BMM 45 यानी कि माइलेज मास्टर। इसकी डीजल एवरेज निकाल ली जा रही है, किले से भी ज़्यादा जो है बढ़िया तरीके से और आगे तक जो जुताई कर रहा है। ये नहीं है भाई ऐसे ही जो किले की जुताई करते हुए, अरे भाई रोगी हड़ाई जो गली थी ऊपर नीचे ऊंचा नीचा है, इस वजह तो ऊंचा नीचा होता रहा है, इसलिए ट्रैक्टर ऊपर नीचे हो रहा है, कभी दबाव में कभी हल्के में, कभी दबाव में कभी हल्के में। तो जैसा अभी प्रदर्शन आपको लगता है वो बताएं। सब तो निचला पॉइंट में हो तो और ज्यादा सेंसिंग मार रहे। दबाव डाल रहा है ट्रैक्टर पर, पूरा दबाव डाल के चला रहा है पूरा कल्टीवेटर काट काट कर।
नहीं रखता है, फोन पे कर दीजिए और 10 क्लब ले लीजिएगा और एक बंद में आपको जटवा वेल्डिंग करवा लीजिए। तेरी है मोटरसाइकिल हवा उड़े उड़ लीजिए मोटरसाइकिल तेरी है मुराई भी उड़े खड़ी होकर। तो भाई करीब करीब 10 मिनट हो चुके हैं ट्रैक्टर को चलते हुए, ऐसी बात है ना? बिल्कुल ऐसी है, तेरी गलवा भी नहीं है ना काटनी पड़ी चल है पूरी पूरी कटी। रबड़ तो नहीं चलाऊंगा ही प्रोग्राम मिनट में इसने लिफ्ट बांध के छोड़ रखी है, दबो चलो क्यों करे करो सही करे क्या छोरा तो जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने चल रहा है MM45 जिसकी डीजल एवरेज कल्टीवेटर में निकाली जा रही है। ठीक है, इससे पहले हमने इसकी एवरेज निकाली थी एरो में पर बाकी ठीक है। वही ठीक है यार, एरो तो है बढ़िया बाहर है। ठीक है, देखेंगे हम कैलकुलेशन करेंगे कुछ हमारा भी जो है कुछ अपने जो किसान भाई देख रहे हैं वो भी बताऊंगे ना के कह रहे हैं है? कमेंट करो दबा के बताओ कितना तेल सही लिया, इतना तेल जो लिया इसने सही लिया है रोमा नहीं लिया। 3 लीटर ले रहा पूरा 1 किलो भाई, 16 गया रो थी पर ये है रो बढ़िया लग रही थी, कोई दिक्कत नहीं है रोमन नू बोलने वाली बात हो जाएगी भी बढ़िया एरो नहीं लग रही, बिल्कुल फर्स्ट क्लास एरो लगते हुए और बढ़िया जो है बाई कर रखी थी एरो तो भी और कल्टीवेटर में ट्रैक्टर बढ़िया दबा के चला रखे। ट्रैक्टर बढ़िया काम कर लग रहा भाई, करीब करीब 3 लीटर लेवल होगा।
तो अपनी कमेंट्री शुरू करते हुए हमें भाई कल्टीवेटर बढ़िया दबा के चला जा रहा है, MM 45 है, माइलेज मास्टर 9 के कल्टीवेटर हैं, 4 लीटर में टंकी में पूरा किया है। अभी देखते हैं कितना तेल ले पाता है, करीब करीब 3 लीटर के आसपास ही तेल लेगा, हमारा अंदाज़ा ये है 3 लीटर से नीचे ही रह जाएगा। और देखते हैं अभी वीडियो पूरी होगी तब आपको पता भी चल जाएगा। तो वीडियो के माध्यम से हम ये नहीं दिखाना चाह रहे अभी सोने लेगा ज़्यादा तेल ले रहा है, सिर्फ किसानों की संतुष्टि के लिए हम पूरा एक किला बवा रहे हैं। टाइम भी नोट हो रहा है साथ के साथ, आप टाइम देख सकते हैं, किला देख सकते हैं। तो देखते हैं भैया कितना तेल खपता है। और भैया आज कंपटीशन भी था मंडाना गांव में भिवानी, वहां पर हम नहीं जा पाए क्योंकि किसान भाई ने हम बुला रखे थे, तो यहां पर आना पड़ा हमने एवरेज निकालने के लिए। अब जो यहाँ निकाल लगा कोने काने काट दिए भाई, कंपटीशन का क्या रहा है राज वाला। रसा हो रहा है वो बार बार क्या खुलवाऊंगी देखी जगह में देखेंगे भाई, वासर उसर लगा देंगे उस पर। गर्माव है, गर्माव क्यों है, उड़े रोक दियो
क्योंकि भाई सुइयां लगाने की जरूरत भी नहीं थी, किले से ज्यादा पत्ता ले गया था, एक सुइयां लगा होगा बस इस साइड में। दौड़ते हुए हम भागो भागो, 3 लीटर ले होगा भाई। बंद कर दो, रोक दो रोक दो रोक दो रोक दो। 3 तो कम में शायद दी गए, 3 तो कम में शायद दी गए। चलो देखेंगे, ये डाल देंगे इसमें। पूरे 3 नहीं, पूरे 3 का आसपास कम है ना। कम है, ले बाबा पकड़। कितना लिया है देख लेंगे। खोलूं? खोल ले रहा हूँ। इसमें लगा नहीं, नूडल पिट्टी देगा नहीं इसमें। तो देर आ रहा पता कितना डाल लिया अपन। वो हो गया 1500। ले ले भाई कराने तैयार नहीं। गाल दे, मैं गाल लूँ। थोड़ा आराम तो गालने, कोई शुक्र ज़्यादा स्पीड में ना बताइए। देख दे डेढ़ खाया। हाँ डेढ़, लेना और थोड़ा कर ले, डेढ़ और कर लिया। एक और कर लिया, देख ले भर लेने कितना पड़ेगा, कमी कितनी रहेगी इसमें। कमी है, कमी है, 4 पौना है। तो डेढ़ चल रहा है, डेढ़ तो वाला है। पीपी में कोनी और, पीपी में काट ले थोड़ा है, थोड़ा कम कर लिए इसमें। फिर ये मत कम पीपी में काट दी, कितना फालतू है। 1600 के करीब है, फालतू है। गजब है, घना ला रहे क्या, कुछ तहंगा लगा के बढ़िया ला रहे मैं कल्टीवेटर पे। ये 1400 हो गया, थोड़ा खा ले। ले हो गए
तीन लीटर पूरा हो जाएगा, तीन लीटर डाल देंगे इसमें तो देखा है कितना बच्चा है इसमें। तो अभी चार लीटर था इसमें, चार पूरा करेंगे इसमें, थोड़ा आराम लगा लिया। थोड़ा कम है, थोड़ा गाल दो, थोड़ा गाल दो, बस थोड़ा ना मात्र सा, बस 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 ये पूरा हो गया, चार लीटर भी ठीक हो गया। अब इसमें देखेंगे वहीं पर ले जाएंगे। रुक जानते हुए 300 बच रहा है, 300 ml बच रहा है जी। जूमिंग देखा जी, पूरा 300 भर है दो, हाँ 2 लीटर 700 ग्राम तेल खाया है, हाँ 2 लीटर 700 ग्राम तेल खाया है। 1 किले में कल्टीवेटर था, 9 का कल्टीवेटर था, बढ़िया लगा रखे कल्टीवेटर, नू नहीं भाई कम लगाया हो कल्टीवेटर में। 2 लीटर 700 ग्राम बढ़िया तेल लिया ट्रैक्टर ने भाई, MM 45 था वो, 1.5 साल के करीब हो गए इसने। तो आपने भी बताना कितना जो सही तेल लिया वो सही लिया है या गलत लिया है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।